मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट के दर्जा मिले के बाद अब हालात यह है कि दर्जा हमका तो लागत है काहे छिन्न जाए, काहे कि अब मध्य प्रदेश टाइगरन के जन्मस्थली के बजाय अब मरण स्थली बन रहा है। काहे कि एक बे फिर से बांधोगढ़ में एक बाघिन के शव मिला है और अभी तक जो है साल भर के भीतर 1800 बाघन के मिल चुका है। तो सीधे तौर पर हमका तो लागत है कि कहो यह मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के दर्जा उत्तमगा कहो छीन न जाए, कहे कि यह में मौत दर मौत हो कहो न कहो प्रबंधन पर सवाल या निशान लगावत है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिस्तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां अपना प्रोजेक्ट बताया थे मध्य प्रदेश के उमरिया जिला के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन के शव बरामद भाए। मध्य प्रदेश के जंगल में हो रही बाघन की मौत अब चिंता के कारण बन रही है। यह साल अब तक अलग अलग कारणों से 18 बाघ मारे जा चुके हैं। वन विभाग के मुताबिक जो ने बाघिन के शव बरामद भा है वो 5 साल की रही। शव धाम खुर रेंज में गुरुवार का मिला। जमीन अमले के द्वारा जब बाघिन के शव देखा गया तो उनके द्वारा उच्च अधिकारी इनका सूचना दिए गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के निर्देशन के पालन करके इन बाघिन के पोस्टमार्टम करावागा, अंतिम संस्कार कई दिन का। प्रमुख वन संरक्षक वन्य प्राणी डॉक्टर JS चौहान के कहा है कि बांधवगढ़ में बाघिन के मौत के बाद अब तक यह साल 18 बाघन के मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। 8 जनवरी से 24 अप्रैल तक राज्य के अलग अलग जंगलन में 17 बाघन की मौत भई। अपना प्रत्येक बता दी टाइगर रिजर्व के अधिकारी ने कहा है कि इससे पहले 25 अप्रैल का करीब 8 महीने के मादा साबक के शव बरामद भर रहा, उसे कौनो बाघ के द्वारा हमलक के द्वारा मार डाला गया रहा। अपना प्रत्येक बताया दी RTI एक्टिविस्ट और बाघन के खेतर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे के कहा है कि मध्य प्रदेश में बाघन के संरक्षण में कौनो दिक्कत है, कई एक दिक्कत है। फॉरेस्ट रिजर्व में खाना की कमी, अनियोजित विकास के वजह से फॉरेस्ट कवर जो है कम हो रहे हैं, ये वजह से बाघन के मूवमेंट व्यथित हो रहा है, बाधित हो रहा है, जेकर उनकर असामयिक मौत हो रही। जंगलन के पास खेतन में जानवरन के बचाव खेतिर जाल बिछाए जाते जो फंस के बाघ जो है दम तोड़ी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहो न कहो बाघन के मरण स्थली बनी जाल लागी और जन्म स्थली तब बातें छोड़ दी जाए, कहे कि जो में 18 बाघ सोची साल भरे के अंदर यदि मरी रहे हैं, जो भाग बाघन का बचावे खेतिर करोड़न रुपया फंड आवत है, एक बाघ के पीछे 1 करोड़ रुपया आवत हुई, तो सोची वो बाघन के कौ में स्थिति है कि भूखन मरी रहे हैं और इनकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो रही है। तो सवाल तो खड़े हो ही, तो कहा मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के दर्जा छीने की तैयारी हो रही है या फिर जंगल विभाग या फिर यह कहा जाए फॉरेस्ट विभाग बड़ी लापरवाही कह रहा है और यह लापरवाही का सरकार व्यवस्था जो है नज़रअंदाज कह रही है। तो यह देख दिलचस्प हुई कि कहा यह व्यवस्था जो है सुदृढ़ की जी या फिर एक ही में लसर भसर चलाए के बाघन के मौत के जो है अड्डा बनाए दीजिए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।